आरसी के फार्मूले के बाद हम सीटी का फार्मूला देखेंगे, ये भी एक फार्मूला ही है, बस अरेंज किया गया। देखिए अभी डार्सी चाइनीज क्या है, बहुत कमीने हैं, कॉपी करने में इंडिया से भी आगे हैं। क्या करेंगे किसी विदेशी साइंटिस्ट का, देखेंगे कि क्या है, उसी को थोड़ा सा सुधार के तुरंत कॉपी करके अपना दे देंगे। तो चाइनीज होते हैं हरामी, ठीक है। तो चाइनीज ने क्या किया, जो डार्सी का समीकरण था उसी का उपयोग किया। अब उपयोग करके क्या किया, देखिए एच एफ बराबर डार्सी का फॉर्मूला था, एच एफ बराबर फोर एफ एम वी स्क्वायर बाय टू जी टी, यही डार्सी का फॉर्मूला था। अब इसने क्या किया कि वी स्क्वायर निकाला इस फॉर्मूले से, कैसे निकालेगा वी स्क्वायर, इसको नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिया एच एफ में। देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर एच एफ डी टू जी ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा फोर एफ एल, नीचे तो यही बचेगा ना, जब वी स्क्वायर निकालेंगे फोर एफ एल, फोर एफ एल, यहाँ एक गलती है, गलती की गलती है, मैं अभी बता रहा हूँ क्या। देखिए जो एफ की यहाँ पे एफ रहे, एल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एल एक ही है और एफ है, यहाँ पे एल तो एक हो गया, अब एक एफ रहेगा, एल नहीं रहेगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, बस पछांतर करके बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है, इसी फार्मूले से, इसी फार्मूले से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ठीक है, इसी को कोई डाउट। अब वी स्क्वायर का निकालना था तो इसको पछांतर करके ऐसे अरेंज कर दिया गया। अरेंज करने के बाद क्या किया चाइनीज साइंटिस्ट जेटी साहब ने, क्या किया देखिए, उन्होंने लिखा, हम लोग पढ़े थे कि द्रवीय ढाल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक स्लोप आई बराबर क्या था, आई बराबर था एच एफ अपान एल, अभी पढ़े थे पिछली क्लास में, आई बराबर था एच एफ अपान एल, ठीक है। तो एच एफ अपान एल देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा एच एफ अपान एल, इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे आई लिख सकते हैं, यहाँ पे आई लिखते हैं टी बाई फोर। एक कुछ आपको याद है, यम की वैल्यू है पाइप के लिए, सर्कुलर पाइप के लिए यम की वैल्यू, यम मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या द्रव्य मध्यमान गहराई, यम जब सर्कुलर या गोल पाइप के लिए निकाले थे, यहाँ से देखिए यम का वैल्यू निकाला था, तो यम बराबर क्या होता है ए बाई बी मतलब क्षेत्रफल अपान परिधि या पेरिमीटर या परिमाप, तो यहाँ से निकालेंगे तो सर्कुलर पाइप के लिए क्या होगा डी बाई बी, देखिए इसके जगह पर क्या लिखती है आई लिखती है, इसके जगह पर लिख देंगे यम, तो यम लिखती है, तो इसके तीन दो सबके जगह हो गया आई और यम, ये टू जी बाई एफ ऐसे रह जाएगा, कांस्टेंट ले लेंगे, तो वही किया गया यहाँ पे, देखिए बीस बीस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, स्क्वायर बराबर हो गया यम इनटू आई, वैसे ही बचा था तो वैसे ही पड़ा। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, यानी करड़ी में बदल जाएगा, देखिए यहाँ पे वी बराबर करड़ी यम आई टू जी अपान यम, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है टू जी बाई एफ और करड़ी है, करड़ी मतलब सबपे है तो सबपे, देखिए यहाँ पे करड़ी टू जी बाई एफ को एक कांस्टेंट मान लिया गया सी, जिसे हम कहते हैं जेजी कांस्टेंट, जेजी साहब ने कांस्टेंट दिया तो जेजी मान लिया। देखो कांस्टेंट क्यों मानते हैं, जब किसी चीज की वैल्यू फिक्स रहती है, यहाँ जी की वैल्यू फिक्स है, एफ की वैल्यू पाइप के लिए अगर सेमी पाइप है तो हमेशा फिक्स रहेगा,
तो यानी दोनों सब सेम है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान लिया गया, किसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा। जैसे अगर आया एक दो तीन चार, तो अगर पाइप पाइप की वैल्यू के लिए मतलब कोई पाइप का पीवीसी है तो उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी सी की वैल्यू, इसीलिए इसको मान लिया गया कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी चीज परिवर्तित होने वाला नहीं, कॉन्स्टेंट मान लिया गया। अब फार्मूला क्या हो गया था, ये था। अब यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान लिया गया तो इसको बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या? क्योंकि बचेगा यही फार्मूला बस लास्ट में, और यही आपके फार्मूला बस याद रखना है इसी को। ये भी प्रूफ नहीं है इसके आप सिलेबस में, लेकिन छोटा था तो हम बता दें। v बराबर c रूट एम आई, चाइनीज मोबाइल एम आई देखे हो, यहीं से आया चाइनीज मोबाइल। कहाँ था सर? अरे मजाक कर रहे हैं यार, MI देख रहे हो ना, MI क्या चाइनीज मोबाइल है, तो बस यहीं से MI आया। याद करने के लिए याद करिए, ये चाइनीज का सूत्र है, सॉरी चाइनीज नहीं चेजी सूत्र है, चेजी सूत्र। V बराबर C रूट MI, तो कितना मस्त याद करने का तरीका हो गया। V बराबर C MI मोबाइल, चाइनीज मोबाइल तो हमेशा MI रहेगा। तो चेजी का फार्मूला क्या हो गया, V बराबर एक तो चेजी का कांस्टेंट सी हो गया, अब ब्रैकेट में रूट MI, MI मोबाइल आ गया, ब्रांडिंग कर रहे हैं हम MI मोबाइल का। चाइनीज मोबाइल वैसे भी बेकार होते हैं, अब क्या करें, हमारे देश में बढ़िया फोन बनता ही नहीं है, चाइनीज हमें मजबूरन लेना पड़ता है। आप लोग इंजीनियर है, कोशिश करिए अच्छा मोबाइल अच्छे टेक्नोलॉजी बनाने का, पढ़ लीजिए, इंजीनियर का काम यही है कि अच्छा टेक्नोलॉजी अच्छा मोबाइल या अच्छी चीजें देश को देना। लेकिन आप लोग सर तो आपका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट भी चाहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, कभी भी जरूरत पड़े लाइव लॉन्ग या कहीं, अगर हम फ्री हैं हमारे पास समय है तो हमेशा आपको समय देंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरफ से। कभी कभी आदमी इतना व्यस्त रहता है कि नहीं दे पाता, तो आपको यही फार्मूला, चेजी का फार्मूला यही है, v बराबर c रूट एम आई, चाइनीज फार्मूला इसीलिए एम आई आया है, चाइनीज मोबाइल को देखते हुए। अब यहाँ f का मान क्या है, इसको निकालने के लिए अगर नया पाइप है जो f है घर्षण गुणांक, जिसका निकालने का फार्मूला होता है, यही फार्मूला है नया पाइप का, तो नए पाइप के लिए एफ बराबर हो जाएगा 0.005 ब्रैकेट में 1+1/35 के। अगर पुराना पाइप है तो एफ के लिए हो जाएगा 0.011+1/35 के। ये फार्मूला एफ की वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है, कई सारे तरीके हैं एफ की वैल्यू निकालने के लिए, हम आगे देखेंगे। तो यफ का वैल्यू निकालने का यह फार्मूला है, देख रहे हैं ना हर जगह यफ यफ आ रहा है, तो इसीलिए यफ सर ये जो मान दिया है कौन सा मान, आप बताइए कौन सा मान सर। यफ इज इक्वल टू 0.005 और पुराने के लिए दिया है 0.01 सर, तो इसमें कुछ लॉस हो रहा तभी ये मान में चेंज हो रहा है क्या? हाँ जैसे पुराना पाइप क्या होता है तो उसमें देखिए नया पाइप में क्या होता है, शुरू शुरू में आता पॉलिश रहता अंदर भी, तो उसमें काई नहीं लगा होता है तो पानी आराम से बह जाता है, लेकिन जैसे पुराना होता जाता है पाइप में काई लग जाता है, जंग लग जाता है, तो ज्यादा विरोध करता है। पुराना पाइप जैसे जैसे पुराना होगा, जंग लग जाएगा तो खुरदुरा हो जाएगा, खुरदुरा होगा तो पानी को ज्यादा रोकेगा, और उसमें काई लग जाएगा, काई लगेगा तो लटक जाएगा, काई लटक जाएगा पाइप मतलब साइड साइड में भर जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। पुराने पाइप के लिए एफ की वैल्यू ज्यादा होती है और नए पाइप के लिए एफ की वैल्यू कम होती है। और कोई डाउट? नहीं सर। देखिए हमेशा मजा तब आता है जब पूरे कम्युनिकेशन होता है, आप कुछ पूछिए कुछ हम बताए, हम भाषण दे के चले जाए आपको समय ना, कुछ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए दो फार्मूले हम लोग पढ़े, किसको निकालने के लिए, यस
मतलब ये जो लॉस होता है पाइप में एच एफ एल, उसको निकालने के लिए पहला चीनी का फार्मूला, दूसरा इसका डार्सी का फार्मूला, दो फार्मूले हैं, दोनों का उपयोग करके हम निकालते हैं। यहाँ पे आप भी बराबर सी रूट एम आई देख रहे हैं ना, इससे भी हम एच का एच निकाल लेते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल में आपको दिखाएंगे कैसे हम इस फार्मूले से एच की वैल्यू निकालते हैं, यानी एच एफ मतलब लॉस कैसे निकालते हैं। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपकी स्क्रीन पे, 1 करोड़ के लिए देखते हैं कौन करता है। देखिए हमारा सुझाव है कि आप जब क्लास लेने बैठिए तो ईयरफोन लगा लीजिए या हेडफोन लगा लीजिए। इससे क्या होता है, आप घर पे हैं, वहां पे कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब आप हेडफोन लगा लेते हैं डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, तो समझ आती है चीजें। हेडफोन लगाने से एक एक शब्द भी क्लियर होता है, तो घर वाले सोचते हैं गाना सुन रहा है। अरे जब लिखा तो घर वाले आके देखिए सर क्लास कर रहे हैं, जो भी है मम्मी पापा है, तो आप दिखाएंगे क्लास कर रहे हैं तो समझ जाएंगे। कोई भी माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, मुझे बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है, उससे मुझे दिमाग मेरा जैसे कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए 1 करोड़ का सवाल है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। 1 करोड़ आपको खुद दबा के ले लीजिएगा, आप देंगे नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर व्यास, यानी व्यास मतलब डायमीटर यानी डी की वैल्यू दिया हुआ है, तथा 15 किलोमीटर लंबा पाइप है। 15 किलोमीटर मतलब समझ लो अपने कॉलेज से गोरखपुर, जो क्या नाम है गोलघर, लगभग 15 किलोमीटर होगा, तो अपने कॉलेज से गोलघर तक लंबा पाइप है, उसकी लंबाई एल है। पानी का प्रवाह 1 मीटर पर सेकेंड यानी वेग दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है। घर्षण गुणांक एफ की वैल्यू दी हुई है, और घर्षण शीर्ष हानि यानी एच एफ पूछ रहा है, एच एफ की वैल्यू पूछ रहा है। एच एफ तो हम पढ़े थे डार्सी का फार्मूला, डार्सी का फार्मूला क्या था, 4 FL g² / 2 gt। तो यहाँ पे क्लियर कर दे, तो देखिए एच एफ का फार्मूला यहाँ लिखते हैं। एच एफ का फार्मूला क्या था, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू चूज करना निकालना, एच एफ बराबर था 4 F F की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है, v² v की वैल्यू दी हुई है, upon 2 gt, देखिए फार्मूला में सब कुछ दिया हुआ, बस वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेटर आपके मोबाइल में होगा या कैलकुलेटर आपके पास भी होगा, सब वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। मौका है पूरा 1 करोड़ जीतने का। देखते हैं कौन बताता है। जो बताएगा उसका एडिटोरियल कोड में खुद को छपेगा। चलो बताओ, सर सो रहा है लगता है जैसे। सर जी का मान रख देंगे ना, आज जी का मान 9.8 पर होता ही है तो है ना, क्या कर रहा है, जी का मान रख देंगे ना। फॉर्मूले में सबका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए आपके क्वेश्चन में सबका वैल्यू दिया होता है, और जी का मान आपको पता ही है क्या होता है, 9.8 पर जी का वैल्यू रखेंगे 9.8 पर, तो दिया ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जी का वैल्यू 9.8 पर 9.8 9.8
उसका तो हमेशा वैल्यू फिक्स रहती है, बस एकाध दशमलव में एकाध अंतर होता है जगह जगह, जैसे कहीं कम है कहीं ज्यादा है। जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मानी देते हैं धरती पे, धरती पे धरती के सतह पे इंडिया में गोरखपुर में हर जगह, मतलब धरती पे यही 9.8 के आसपास। चंद्रमा पे जाएंगे तो उसका चौथाई हो जाएगा, यानी 10 का चौथाई करेंगे लगभग 2.1 समथिंग आएगा चंद्रमा पे। जी क्या चंद्रमा पे अगर कोई आ गया कि अमेरिका चंद्रमा पे पानी बह रही है, तो चंद्रमा पे पानी बह रही है तो जी का मान क्या लेंगे, 2.3 या ऐसे कुछ ले लेंगे, 2.3 हाई के आसपास। आरती प्रसाद जी कोई लाओ ट्राई करिए, बहुत इजी डाउट है, ट्राई हूं सर, सॉल्व करिए। नो सर, सॉल्व नहीं करना है, कर रही हूं, दावे लगा नहीं करना है। हाँ सर सॉल्व कर रही हूं। विकास सिंह आप लोग तो कोई अंकी चौरसिया जी, आपका नाम 1472 कितना चैट में लिखिए, चैट में, चैट में। रसिया जी कोशिश करिए, धर्मेंद्र जी कोशिश करिए, आप सभी लोग कोशिश करें। और कोई क्या सर, और कोई जिसको आंसर मिला हो सर, सही है गलत है, अभी मैं आंसर आपके सामने रखता हूँ, बाकी लोग बता दें। एक सेकेंड का एक दो सर लग रहा है, देख रहे हैं सर, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। हेलो, हाँ हमको लगा जानते हो जिससे क्या वो बीच वाला दांत उठाते हैं, हम तो एक मिनट बस लाइन पे रहो, तो अंकित चौरसिया कह रहे हैं ना, अंकित चौरसिया जी अपने आप सर पहले अनम्यूट कर लीजिए फिर कोई बात करिए, म्यूट करके सॉरी म्यूट करके बात करिए, हमसे बात करना बंद म्यूट करिए। मेंटल साथ तो कर नहीं रहे हैं आप, बात कर रहे हैं ऊपर से, आइए क्लास में आपको घंटे से स्वागत करते हैं। देखिए हमें लग रहा है कि आपको काफी टाइम लगाएंगे, तो अंजलि हम आपको आंसर बता दें, आपको 1 करोड़ लग रहा हार जाएंगे। देखिए आपके सामने आंसर दिख रहा होगा, सभी लोग 1 करोड़ हार चुके हैं। देखिए यही एचएफ की वैल्यू है 15.2। सिंपली कुछ नहीं करना था, फार्मूला आपके सामने था, ये वाला फार्मूला डार्सी का सूत्र था, कर्सर शीर्ष हानि निकालनी थी, फ्रिक्शनल लॉस टू फ्रिक्शन। तो एचएफ की वैल्यू क्या किया गया, कुछ नहीं किया, कोर तो कोर ही रहेगा, एफ की वैल्यू दिया हुआ है 0.005 रख देंगे, एल की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 किलोमीटर, किलोमीटर में तो रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपका
प्रवाह का दर जो है पानी का प्रवाह यानी v की वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, व्यास भी मीटर में दिया, तो मीटर को क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, तो जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 15,000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस किलोमीटर को मीटर में बदलना था। देखिए d की वैल्यू दिया हुआ है, लंबाई 15 किलोमीटर है तो उसको मीटर में बदल देंगे 15,000 मीटर हो जाएगा। v की वैल्यू वैसे ही रहेगा, f की वैल्यू वैसे रहेगा, सबका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे एक जीरो छूटा हुआ है सर। सर तो सर तो एक जीरो छूटेगा तो अंतर आ जाएगा सर। नहीं नहीं देखो लिखने में छूटा हुआ है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से किया गया तो उसमें नहीं छूटा सर। तो मोबाइल सर कुछ अलग आ रहा है सर, इससे करने पर अलग आ रहा है। अच्छा चलिए मैं दोबारा ट्राई करूंगा, लेकिन हमारे तरफ से जो मैं सॉल्व किया हूँ तो यही है, आपके बुक में भी सर को वो सही है सर, लेकिन मोबाइल सर उससे सर मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है सर। हो सकता है कि मोबाइल के मान लीजिए हम लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट होगा, जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है उसका कुछ मान अलग आता है। वैल्यू दशमलव में थोड़ा सा बदलता है तो बस ये कुछ नहीं करना है आपको, ये जो लिखा हुआ है इसी को मल्टीप्लाई करके यही भाग दे देना है आपका वैल्यू आ जाएगा। गलती आप लोगों से क्या हो रही होगी कि आप नीचे क्या कर पहले 9.8 से भाग दे रहे होंगे फिर 2 से गुणा कर दे रहे होंगे तो वैल्यू इसलिए बदल जा रही है। पहले क्या करिए पूरा ऊपर नहीं सर पूरा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए सर, वो भी आइए मैं कर ले रहे हैं, मैं दोबारा ट्राई कर ले रहा हूँ। यस सर रुकिए सर फिर दोबारा सर। 15,000 देखिए ऊपर का जब पूरा करेंगे तो 300 आएगा ऊपर वाला पूरा, ठीक है ऊपर वाला जब हाँ सर 300 आ रहा है 300 आएगा, फिर 200 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब 150 से 150 को लगभग 10 से भाग देंगे तो लगभग 15,000 नहीं आएगा, 150 भागा 10 9.8 मतलब 10 के आसपास 15 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा सीधे देख लो आंसर 15 के आसपास आएगा। अगर 9.81 ले रहा है तो आ गया सर आ गया सर आ गया, बच्चों वाला सवाल है सर आ गया सर। एक साथ सर करने पर सर वो फ्रैक्शन ना मान आता सर, एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा था। गलती आप लोग क्या कर रहे होंगे पहले नीचे ऊपर जो आया 300 आया है उसको डायरेक्ट आप दोनों से भाग देने के बाद 2×9.81 लिख रहे होंगे तो क्या होता होगा तो भाग 100 का दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो इसको ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लीजिए। 9.8 लेके चल रहे थे सर, 81 लेके नहीं चल रहे थे इसलिए हो सकता है कुछ गलत हुआ। उतना से भी क्या होगा कि 15.6 आ जाएगा, 15.6 समथिंग आएगा, 40 नहीं आएगा। चलिए कोशिश किए आप कम से कम 100 तो निकाले, बाकी लोग तो हमें लग रहा है कि सो गए। सो जा मौसम बहुत सुहाना है, जब एग्जाम होगा तब ना पता चलेगा, उस समय एग्जाम में भी नहीं जाएगा सर, बच्चे प्रमोट होने जा रहे हैं। हाँ हाँ पता चले प्रमोट के चक्कर में फेल ना हो जाए। नहीं सर प्रमोट हो जाएंगे सर 100% है। देखो प्रमोट तो हो जाएंगे लेकिन अगर जानकारी नहीं रहेगी ना तो कहीं सिलेक्शन भी नहीं होगा, कटोरा लेके घूमना पड़ेगा। जानकारी सबसे जरूरी, पढ़ना तो हमेशा पड़ेगा, आज पढ़िए या कल पढ़िए। तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है जो कि आपके यूपी के मतलब आपके एग्जाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड जो BTU है उसमें आया हुआ है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कल सॉल्व करके दिखाइए, होमवर्क है देखते हैं कौन करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा, लगभग 29 लोग थे स्टार्टिंग में, इस समय 23 लोग हैं।